दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है लोरी कुमार। दोस्तों आज एक फिर वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों मैं आज आप लोग को मैं फाइनली भट्ठे में लोग ईटा कैसे पाथते हैं मैं आप लोग को दिखाता हूं। और हमारे गांव में जो कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है दोस्तों गांव में इस समय, और चलते हैं मैं आप वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए हमारे मेहनती आशीष हैं जो कि इनका भी बहुत फेमस चैनल है। और कौन सा चैनल है अब यही बताएंगे, कौन सा चैनल है आपका भाई? हाय गाइस, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आशीष मेहनती, जो कि आप जानते हैं मेहनती आशीष, यदि सर्च करेंगे तो यूट्यूब पर पहला नंबर आएगा, जिसमें कि हम टैग रिलेटेड वीडियो बनाते हैं यूट्यूब के रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक कि आप यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या क्या दिक्कत आएगी उसी के रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए भाई, एक वीडियो बना रहे हैं जो कि ब्लॉग, जो कि मतलब भट्ठा में लोग लेबर किस तरह से काम करते हैं, कितना मेहनत करते हैं और वो किस तरह से मेहनत करते हैं दोस्तों, उन्हें क्या और कोई काम नहीं है कि इससे बेहतर काम बहुत सारा काम है जिसमें कि ज़्यादा पैसा मिलता है, तो वो लोग क्यों नहीं करते, उन लोगों का क्या कल्चर है, सब कुछ ये बताएंगे वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग को चलते हैं दिखाते हैं बैक कैमरे से। आपको बता दिए मेहनती आशीष, इनका चैनल बहुत मोटिवेशन वाला रहता है दोस्तों, एक बार देखिए जाकर। और लीजिए ये माटी फिलहाल अपना तोड़ चुके हैं, और ये जो फावड़ा है उसे अपना काट काट कर वो एक लॉरी में भर कर लेके जा रहे हैं सामने, और वहाँ पर अपना ईटा पाथते हैं। तो मैं आपको चलते हैं, मैं आगे की ओर लेकर चलता हूँ, दिखाते हैं। और इस साइड भी पाथ रहे हैं सब लोग। और देखिए एक बड़े भाई, देखिए वहाँ पे जो है मुस्की मार रहे हैं, बहुत अच्छा उनका स्माइल है। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों मैं अब चलता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो भाई हैं हमारे, बहुत यहाँ पे हंस रहे हैं और अपना हंस कर काम कर रहे हैं। मैं इनसे बात करता हूँ और उनसे बात करता हूँ, भाई आप इतने ठंड में इतना मेहनत वाला काम क्यों करते हैं, आपको काम कोई अच्छा नहीं है कि यही काम करते हैं? चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। वहाँ पे था तो मैं, भाई हंस रहे थे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं इनके पास आया, तो आप लोग से मिलवाता हूँ। तो आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम अजय कुमार है, मैं बिहार के रहने वाला हूँ। तो दोस्तों अजय इनका नाम है और ये बिहार के रहने वाले हैं। तो अजय भाई, आप ईटा पाथते हैं और इतने ठंड में इतना मेहनत कर रहे हैं, आपको इसमें कितना पैसा मिलता है, एक ईटा पर आप कितने मतलब कमाते हैं इसमें? वही मिल जाता है, वही मतलब कि 50 तो खापत है यार। एक दिन में 1,000-1,200 ईट पार लेते हैं, उस हिसाब से हमको पैसा मिलता है। मतलब कि 1,000 ईटा पाथेंगे तुमको 500 रुपये, मतलब कि एक ईटा मतलब कि पाथने पर तुमको कितना मिलता है? एक ईटा पाथने पर हमको वही अति 50 पैसा मिलता है। 50 पैसा प्रति ईटा इनको मिलता है दोस्तों। और ये बोल रहे हैं कि मैं 1,000-1,200 ईटा पाथता हूँ, तो अगर 1,000 ईटा पाट रहे तो उनका 500 रुपये बनेगा। तो अजय भाई, आप इतना ठंड में आपको दूसरा काम नहीं है? दूसरा काम तो है, लेकिन इसी मतलब कि अभी तो बाहर में भी लॉकडाउन की वजह से हम लोग के गांव में भी काम उतना बढ़िया नहीं चल पा रहा है, इसीलिए इधर बाहर में थोड़ा इधर काम चल जाता है। तो अच्छा, ये काम तो आपको बिहार में भी मिल जाएगा? बिहार में एक काम, बिहार में हालांकि बिहार में भी काम मिलता है, लेकिन बिहार में क्या है कि पैसा कम देता है। तो दोस्तों देख लीजिए, बिहार में जो ईटा पाते हैं वहाँ पे कम पैसा मिलता है, और ये लोग हमारे गांव में, यूपी में हम रहता हूँ, जो कि ये मिर्ज़ापुर ज़िला है, SDA भट्टा, यहाँ पे ये लोग आए हैं और काम कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे इनको पैसा बिहार से अच्छा मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आए हैं। तो और अजय भाई, तो सब आप बढ़िया से बीत रहा है, बताइए कि जैसे कि इसमें आप ये माटी को कैसे नरम बनाते हैं, बताइए हमारे दोस्तों को। इसको पहले क्या है, मिट्टी को खान लेते हैं नीचे, वहाँ ऊपर से वहाँ मिट्टी है, वहाँ खान लेते हैं, वहाँ खान लेते हैं मिट्टी, अपन काम करते रहे, बोले मिट्टी वहाँ खान लेते हैं। उसके बाद क्या है, पानी चलता है बोरिंग से, मिट्टी उसके बाद भिंगाते हैं, पानी इसमें भिंगाते हैं, मिट्टी इसमें डालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, मिट्टी को पलटते हैं, उसके बाद मिट्टी को बना लेते हैं, उसके बाद
सुबह सुबह मतलब कि मिट्टी मतलब कि ठेला पर से लगाते हैं, उसके बाद ही करते हैं। अच्छा तो अच्छा बता, तो दोस्तों अजय भाई बोले जैसे कि मैं एक दिन पहले मैं माटी को मतलब ये लोग तोड़ते हैं, माटी को फावड़ा से एक दिन तोड़ते हैं, उसके बाद उसको तोड़ने के बाद में उसको पानी से भिगाते हैं, फिर दूसरे दिन उस माटी जब फूलता है तो उसको काट के लेकर आते हैं यहाँ पे अपना ईटा पाते हैं, मतलब कि एक दिन पहले। तो दोस्तों ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो अजय भाई क्या मैं इसको एक ईटा पाट सकता हूँ? पाट सकते हैं लेकिन आपसे नहीं बनेगा, एक बार मैं कोशिश करूँ। कोशिश कर लीजिए आप, देखिए भाई यही है। तो दोस्तों देख लीजिए हमारे लोरिक भाई ने मतलब कि थोड़ा ट्राई कर रहे हैं देखने के लिए, आप लोग दिखाने के, तो चलिए देख लेते हैं। आप सामने सामने तू भी समझ जा, सामने में आओ जा, आओ सामने सामने दिखा जा यार। दोस्तों ये हमसे नहीं लड़ रहा है। ओके अरे यार चलिए दोस्तों मैं ट्राई लेता हूँ एक बार, अब देख लीजिए ये मैं भी एक बार चेक कर रहा हूँ क्या हम कर सकते हैं कि नहीं, आप लोग को दिखाता हूँ दोस्तों, अगर कर सकता हूँ तो आपके सामने ही। ये दोस्तों हमारे बस की बात नहीं है, ये लोग इतना मेहनत करते हैं, देख लीजिए कीचड़ पाटने में हमको नहीं समझ में आया कैसे पाटते हैं। चलिए मैं आप आगे क्यों लेके चलता हूँ दोस्तों। दोस्तों हम हाथ धोकर आते हैं अभी, गलत हो गया था कहा बोली जोन मैं तो ऐसे ये पूछिए कि आपका मतलब मुझसे ये कर रहे हैं कितने देर से था, ये ना बता सकते तू का कर। चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा दिया हूँ, मैं कोशिश किया, हमसे ईटा नहीं पत सका दोस्तों। देखो ये भाई हंस रहे हैं। हेलो भाई, और ठीक है? हाँ ठीक है। क्यों हंस रहे हैं भाई? बहुत हंस रहे हैं, क्या बात है? क्या बात है भाई, देखिए हंस रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं हंसते हंसते, बहुत मस्ताने आदमी है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, मैं चल रहा हूँ अब इस तरफ, अब मैं उस तरफ का वीडियो बना दिया हूँ, उधर से मैं आया हूँ और इस साइड का वीडियो ले बनाऊँगा, आगे दिखाता हूँ। देखिए भाई साहब ये अभी दतून कर रहे हैं, अभी खाना वाना शायद अभी नहीं खाए हुए जो ये। और चाचा जी क्या हाल है? ठीक है। काम पर से खाली हुए कि अभी नहीं? अभी कहाँ, 6 बजे खाली हुए। खाना वाना खाए? अभी खाने जा रहे हैं। अभी खाना नहीं खाए हैं? अच्छा, और तो बताइए कि आप लोग कहाँ पर रहते हैं? तो दोस्तों देख लीजिए ये लोग यहाँ पे अपना जो टीना है, तो आप लोग इसी में रहते हैं? हाँ। आप लोग इसमें कितना दिन रहेंगे आप लोग? 9 महीना। 9 महीना रहेंगे, कब जाएंगे यहाँ से? बरसात के टाइम, मतलब कि ये मई जून में उनमें जाएंगे आप लोग? अच्छा, तो आप लोग कितने लोग रहते हैं यहाँ? हाँ हम अभी 3 हैं। 3 हैं? हाँ। और इकट्ठे में तो ज़्यादा होगा नहीं, आप मतलब आपका परिवार जो है? हमारा परिवार 3 है। 3 लोग रहते हैं, और इसी झोपड़ी में अपना रहते हैं? इसी झोपड़ी में रहते हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम टुनटुन मांझी। कहाँ से? नालंदा जिला। तो दोस्तों इनका नाम देख लीजिए, बता दिए हैं कुमकुम और नालंदा जिला से हैं। तो आप इसमें ये ईटा पाते हैं तो आपका पैसा कितना बनता है, कितने भी ईटा पाते हैं? मेरा पैसा दे रहा हूँ 630 रुपया या क्या? बात करके आया है कि 6000 में। 1000 में निकालेंगे 630। तो दोस्तों यही एक ईटा पर 88 शायद 8-50 पैसे या पड़ेगा, और देख लीजिए यहाँ पे अपना ये ईटा को पथाई कर रहे हैं,
और उधर भी काम कर रहे हैं लोग। तो दोस्तों ये नालंदा ज़िला से है और ये लोग तीन लोग अब साथ में है, अपना काम कर रहे हैं और मेहनत से दोस्तों। तो ठीक है चाचा जी, चलते हैं। है आप देख रहे हैं अभी कच्चा है फिलहाल, ये कच्चा इसको माटी बोलते हैं। और जो वो सामने भट्टा जो दिखाई दे रहा है उसमें अभी जाकर पकेगा। मैं आप लोग का फिर एक वीडियो बनाऊंगा, ईटा को कैसे लेकर जाते हैं वहाँ पे, बुझते हैं उसके बाद आग जला के पाथते हैं। मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये जो कच्चा ईटा है अभी ये लोग लेकर जाएंगे वहाँ पे, जो भट्टा मैं आप लोग को दिखाया हूँ वहाँ पे लेकर जाएंगे, इसको बुझते हैं। बुझने के बाद ये पकेगा। मैं आप लोग को हर एक वीडियो बना के यहाँ पर दिखाऊँगा कैसे पकाते हैं और कैसे यहाँ से ढोते हैं। तो दोस्तों अब मैं मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चलते हैं, जय हिंद, वंदे भारत।